24 दिन बाद अब हमारे क्लाइंबिंग रोज के सीट्स जर्मिनेट होके बड़े बड़े हो रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आज हम ग्रो करेंगे क्लाइंबिंग रोज के सीट्स को। और क्लाइंबिंग रोज के सीट्स ऐसे होते हैं दिखने में। क्लाइंबिंग रोज को आप उगा सकते हैं सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में। और इसको मैं ग्रो करने के लिए मीडिया यूज़ कर रहा हूँ बालू रेत और कोकोपीट का मिक्सर, जो 50-50 का रेशियो है। तो हम सीडलिंग स्टार्ट करते हैं। हर एक रो के अंदर हम थोड़े थोड़े सीड डालेंगे। सीड डालने के बाद इसको हम कंपोस्ट से कवर कर देंगे। कंपोस्ट से कवर करने के बाद इसमें हम पानी देंगे। हमने कंपोस्ट से इसलिए कवर किया है ताकि ये जल्दी से जर्मिनेट हो जाए। तो हमने क्लाइंबिंग रोज की सीडलिंग कर दी है और हम वेट करेंगे इसके बड़े होने का। 8 दिन बाद अब हमारा क्लाइंबिंग रोज की सीड जर्मिनेट होने की कोशिश कर रहे हैं और ये धीरे धीरे जर्मिनेट भी हो रहे हैं। आप इनको देख सकते हैं, काफ़ी छोटे छोटे सीड जर्मिनेट हुए हैं। तो ये थोड़े और बड़े हो जाएं तब हम इनको ट्रांसप्लांट करेंगे। 11 दिन बाद अब हमारे क्लाइंबिंग रोज के सीड्स जर्मिनेट होके बड़े बड़े हो रहे हैं और काफ़ी सीड हैं जो जर्मिनेट होके बड़े बड़े हो रहे हैं और कुछ सीड ऐसे हैं जो जर्मिनेट होने की कोशिश ही कर रहे हैं और उनके सीड कवर भी अभी तक नहीं निकले हैं और वो काफ़ी छोटे छोटे भी हैं। चौबीस दिन बाद अब हमारे क्लाइंबिंग रोज के सीड्स जर्मिनेट होके बड़े बड़े हो रहे हैं और इनके पत्तों का साइज़ भी चेंज हो रहा है और ये काबिल हो चुके हैं कि हम इनको ट्रांसप्लांट कर दें। और इनको ट्रांसप्लांट करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ डिस्पोजल कप, जिनका साइज़ है 3 इंच और इसके अंदर है ओनली बालू रेत। इस कप के अंदर ये 1 महीने तक सर्वाइव करता रहेगा और जब 1 महीना कम्प्लीट हो जाएगा और इसको हम बड़े गमले के अंदर ट्रांसप्लांट कर देंगे। जब ये और बड़ा होगा और इसमें फ्लावर्स आएंगे तब वो बंचेस के रूप में आते हैं, यानी जो फ्लावर्स आएंगे वो काफ़ी संख्या में आएंगे। तो इसके अंदर आपको हर वीक फर्टिलाइज़र देनी पड़ेगी और हैवी फर्टिलाइज़र देनी पड़ेगी, रिच फर्टिलाइज़र, तब जाके इसमें अच्छे अच्छे फ्लावर्स ग्रो हो पाएंगे। तो इनको हम ट्रांसप्लांट करते हैं। तो इनको ट्रांसप्लांट करने के लिए हम इनकी सीडलिंग को बाहर निकालते हैं। कल रात काफ़ी बारिश हुई
जिसकी वजह से सारी सीडलिंग गीली हो चुकी है और इसकी मिट्टी भी गीली है। और इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी चल रही है, तो इसको हम ट्रांसप्लांट करते हैं। सीडलिंग को रखने के बाद इसमें हम सोइल से कवर कर देंगे और इसको हल्का सा पुश कर देंगे ताकि ये स्टेबल रहे। इसी तरह से हम सेकेंड सीडलिंग को भी ट्रांसप्लांट कर देते हैं। इसकी ग्रोथ भी काफी अच्छी चल रही है। इसको भी हम सोइल से कवर कर देते हैं। तो हमने हमारी दोनों क्लाइम्बिंग रोज की सीडलिंग को ट्रांसप्लांट कर दिया है और इसके अंदर हम पानी नहीं देंगे क्योंकि पहले से ही हमारी मिट्टी काफ़ी गीली है इसलिए। और इस तरह से आप कोई भी सीड को जर्मिनेट करवा सकते हैं, उसको बाद में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और ऐसी डिस्पोजल कप के अंदर इसको शिफ्ट कर सकते हैं। जब ये थोड़ी और बड़ी हो जाए तो इसे किसी भी बड़े गमले के अंदर आप शिफ्ट कर सकते हैं। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें। थैंक यू।